नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल माँ डिजिटल सेवा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक नई जानकारी के साथ में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग एक एवं वर्ग दो की काउंसलिंग कब से प्रारंभ होने वाली है और कितनी वैकेंसीज पर प्रारंभ होगी और किस पोर्टल पर की जाएगी, सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ ही फ्रेंड्स आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आ रहे रेड बटन को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसके द्वारा मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस सबसे पहले आपको प्राप्त होंगे और आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को जल्दी देख पाएंगे। और आप पूरी जानकारी चाहते हो, जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाती है तब तक अगर आप पूरी जानकारी चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें और हमें अपना साथ देने के लिए जरूर वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, जिससे कि आपके लिए मैं इसी प्रकार नए नए वीडियोस लाता रहूंगा और आपको जो है नए नए वीडियोस के माध्यम से आगाह कराता रहूंगा, नई नई जानकारी आपको समय आपको देता रहूंगा। तो फ्रेंड्स अब ज़्यादा समय ना लेते हो, सीधा आपको ले चलता हूँ जो न्यूज़ है उस पर। जैसे फ्रेंड्स हमारे पास न्यूज़ आई है, आपको दिख रहा है, दैनिक को हंस करके कटेंगे और यहाँ पर दिख रहा है 17,000 के मुकाबले लोक शिक्षण को वित्त विभाग से 15,000 पदों की पुलिस स्वीकृति। जो 17,000 के पद थे वर्ग के लिए, जो 17,000 पद थे उसमें से आपको मात्र 15,000 पदों पर भर्ती कराने के लिए वित्त आयोग ने जो स्वीकृति दी है, ओनली 15,000 पर ही उसकी जो है ज्वाइनिंग कराई जाएगी। उच्च माध्यमिक शिक्षक के 15,000 पदों पर नवंबर अंतिम सप्ताह में शुरू होगी भर्तियां। नवंबर के अंतिम सप्ताह में आपकी जो है भर्ती हो जाएगी, लगभग 25 नवंबर तक आपकी जो है होने के चांसेस हैं। और साथ ही इसकी जो प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी, तो उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्तियाँ नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएंगी। इसके तहत उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों की काउंसलिंग की जाएगी। पहले 17,000 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन वित्त विभाग से केवल 15,000 पदों पर ही स्वीकृति मिली है। अधिकारियों का कहना है कि लोक शिक्षण संचालनालय की तैयार अंतिम चरण में है और इसके बाद माध्यमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती होगी भी होगी या नहीं, इसके किसी तरह के निर्देश जारी नहीं किए गए जा सके हैं। इस मामले में कोई भी अधिकारी अभी कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही फ्रेंड्स उच्च माध्यमिक शिक्षक की काउंसलिंग के बाद माध्यमिक शिक्षक के पदों की भर्ती होगी। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का अंग्रेजी का रिजल्ट बाकी है, अभी रिजल्ट आया नहीं। आप सबको पता है अंग्रेजी का जो पेपर था वो कैंसिल कर दिया गया था, उसका दोबारा एग्जाम हुआ, अभी वो रिजल्ट नहीं आया। जब तक वो रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक काउंसिल होने के चांस नहीं है। तो 29 नवंबर तक उस पहले वो रिजल्ट भी आएगा और 25 नवंबर से पहले रिजल्ट भी आएगा और 25 नवंबर तक ये है स्टार्ट होने की संभावना है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में प्रदेश भर में 2,40,000 अभी तक शामिल हुए थे। इसमें क्वालिफाई मार्क 19 रखे गए थे, 16 विषयों में से 15 के परीक्षा परिणाम 28 अगस्त को जारी हुए थे, जबकि अंग्रेजी का पेपर 29 सितंबर को दोबारा आयोजित किया था। पहली बार पेपर के दौरान मैपिंग करने में गड़बड़ी होने के कारण इसे रद्द कर दिया था। कुछ उम्मीदवारों ने दूसरी बार परीक्षा कराने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इसका परिणाम 14 नवंबर को कोर्ट के निर्णय के बाद आएगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 इसका परिणाम 26 अक्टूबर को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जारी किया था। इसमें 5,00,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा 16 फरवरी से 10 मार्च 2019 के मध्य हुई थी। पीवी ने परिणाम की कॉपी लोक शिक्षण विभाग को उपलब्ध करा दी है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के काउंसलिंग के बाद इसकी काउंसलिंग की जाएगी। माध्यमिक शिक्षक के 5,000 पदों पर होगी भर्ती की ऐसी रहेगी प्रक्रिया। लोक शिक्षण विभाग इसके लिए विज्ञापन निकालेगा। इसके बाद क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को काउंसलिंग में शामिल होने पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी दस्तावेजों की कॉपी भी जमा करना होगा, फिर दस्तावेजों का सत्यापन होगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की विषयवार मेरिट सूची बनेगी। मेरिट के आधार पर ही फिर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले खाली पदों की होगी गिनती। स्कूल विभाग में काफी समय बाद एक साथ इतने पदों पर सीधी भर्ती हो रही है। ऐसे में पहले तो सभी स्कूलों के पदस्थ शिक्षकों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य किया जा रहा है। इसमें सभी तरह के पदों और उनकी भर्ती संबंधी जानकारी होगी। इसके बाद अलग अलग तरह से पदों की भर्तियों को एक रोस्टर पर लगाया जाएगा। इसके बाद सभी स्कूलों में खाली पदों की गणना कर उसके अनुसार भर्तियां निकाली जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये थी न्यूज़ से कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए। और साथ ही फ्रेंड्स अब आपको बताने वाला हूँ आपको फॉर्म जो काउंसलिंग होगी किस पोर्टल से होगी, कहाँ से होगी, सब आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो समय समय पर मिलते रहें। तो फ्रेंड्स आपको सीधा गूगल में टाइप कर देना है एमपी ऑनलाइन और एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और आपको सिंपली साइड में यहाँ पर मिलेगा
नागरिक सेवा है, और आप सीधे नीचे चले जाना है, काउंसलिंग दिख रहा है यहाँ पर, सिंपली काउंसलिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप काउंसलिंग पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और आपको यहाँ देखेगा शिक्षक नियोजन काउंसलिंग, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना, जो कि एमपी ऑनलाइन के ऊपर जो पोर्टल बनाया जा चुका है वहाँ पर पोर्टल आपका बन चुका है, यहाँ से काउंसलिंग होनी है। यहाँ से आपके उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक, माध्यमिक शिक्षक वर्ग दो और प्राथमिक शिक्षक वर्ग तीन, तीनों की यहाँ से होगी, लेकिन अभी वर्ग एक तीन का कुछ भी हुआ नहीं, इसलिए तो उसे भी इस पर होना कुछ नहीं है, लेकिन ये आप अभी से बना के रख दिया है कि यहाँ से काउंसलिंग होगी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जो वर्ग एक, तो वर्ग एक की काउंसलिंग यहाँ से होगी और वर्ग दो की काउंसलिंग यहाँ से होगी, तो सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना रहेगा, जिसको भी वर्ग एक की करनी है तो वहाँ पर क्लिक करना रहेगा। यही अभी कमिंग सून दिखा रहा है, जैसा कि यहाँ पर अभी कमिंग सून दिखा रहा है, जैसे ही ये चालू होगी तो यहाँ पर आ जाएगी, और कमिंग सून जैसे ही हटते ही, जैसे प्रारंभ होगी, हम आपको वीडियो से आगाह करा देंगे। सबसे पहले वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे, जानने के लिए बने रहेंगे हमारे साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमें आप मोटिवेट करते रहिएगा, और जैसे ही अगर मोटिवेट करते रहोगे तो हमें वीडियो बनाना भी अच्छा लगेगा, आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमें आगे लेकर के जाता है। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही अमूल्य होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वैसी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में लिख करके दे सकते हैं। तो आज के वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।